नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल लेक्चर्स इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। वेल्डर की फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत हमने 3 यूनिट पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद यह हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें कि हम यूनिट 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारी यूनिट है वह है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और विद्युत आर्क वेल्डिंग। ठीक है, इसके पहले हम 3 यूनिट पूरी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने पहला वेल्डर की प्रस्तावना या प्रारंभिक में हमने उसका जो है जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, सुरक्षा सावधानियां हमें रखना होता है, इन सभी बातों का हमने देखा था। फर्स्ट एड देखा था, प्राथमिक उपचार देखा था। दूसरी यूनिट थी हमारी, जिसमें हमने वेल्डिंग के क्लासिफिकेशंस को देखा था, वेल्डिंग का वर्गीकरण देखा था। और जो थर्ड यूनिट जो थी हमारी, वह धातु बंधन प्रक्रम थी। इन तीनों को यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। अगर दोस्तों आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं हमारे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है हमने हमारी प्लेलिस्ट की, जिसमें आप शुरू से लेकर अभी तक के जितने भी वीडियोस हैं वह देख सकते हैं। तो उस लिंक पर आप क्लिक करके और वहां उस पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। यह वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। यह है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, यानी कि विद्युत आर्क वेल्डिंग ना। विद्युत आर्क वेल्डिंग हमने वर्गीकरण में पढ़ा है कि ऐसी वेल्डिंग जो कि फ्यूजन के द्वारा होता है, जिनका जोड़ बनता है, वह उनके जो धातु के जो कार्यखंड होते हैं उनके कोनों को हम पिघला करके और उनका जोड़ बन जाता है, और उसी को हम फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो विद्युत आर्क वेल्डिंग है, इसमें हम धातुओं को पिघलाने के लिए या कहें कि गर्म करने के लिए, उन्हें ऊष्मा प्रदान करने के लिए हम विद्युत आर्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, विद्युत आर्क का उपयोग करेंगे हम धातुओं को ऊष्मा प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले इस को जानने से पहले कि विद्युत आर्क वेल्डिंग किस तरह से काम करती है, हमें यह जानना जरूरी है, यह आवश्यक है कि विद्युत क्या होती है ना। और विद्युत को समझने के लिए हमें सबसे पहले परमाणु संरचना समझना होगा कि परमाणु संरचना किस प्रकार की होती है, परमाणु क्या होते हैं। दोस्तों, किसी भी तत्व का सबसे छोटा भाग जो होता है उसे अणु कहा जाता है। ठीक है, और जो अणु होता है वह परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। तो यह कह सकते हैं हम कि तत्व का सबसे छोटा से छोटा भाग जो होगा वह परमाणु कहलाएगा, है ना। तो परमाणु क्या होता है और उसकी संरचना कैसी होती है, कोई भी चीज है, एक उदाहरण लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि पानी ले लिया हमने, जल जिसे बोलते हैं, वाटर, वह लिया। अब जो पानी है वह एक तत्व है, वह छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बना है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना है। जैसे कि आपको पानी का सूत्र पता होगा, आण्विक सूत्र, H2O होता है, यह पानी का सूत्र होता है, यह एक अणु होता है। ठीक है, इसके अंदर जो परमाणु है वह कौन कौन से हैं, H और O। ये अगर अलग अलग हैं तो ये जो है परमाणु कहलाएंगे, ये अलग अलग हैं परमाणु, इससे छोटा कोई भी भाग नहीं होगा, है ना, इससे छोटा भाग कोई भी नहीं होगा। लेकिन इनके अंदर भी तो कुछ चीजें होंगी ना, मतलब छोटे से छोटा भाग है लेकिन उसके अंदर भी तो कुछ होगा। तो उसकी की संरचना हमें समझना है और उसी को हम बोलते हैं परमाणु संरचना। ठीक है, तो ये जो अणु रहता है, पहले परमाणु से मिलकर के एक अणु बनता है, और ये कई सारे अणु मिलकर के, हजारों लाखों करोड़ों अणु मिलकर के, और जो है पानी का रूप ले लेते हैं, और हमें यह पानी जो है जिस प्रकार का दिखता है उस रूप में यह आ जाता है। ठीक है, तो यह एक साधारण भाषा में मैंने आपको समझाया है। अब हम देखते हैं परमाणु की संरचना किस प्रकार की होती है। दोस्तों, आप सभी ने पहले की क्लासों में पढ़ा होगा सौर मंडल के बारे में, आप सभी ने पढ़ा होगा, आप सभी सौर मंडल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। सौर मंडल कैसा होता है, सूर्य होता है बीच में, और सूर्य के चारों तरफ
ये कक्षाएं होती हैं जिनमें कि अलग अलग जो प्लैनेट होते हैं वह रोटेट करते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी रोटेट करती है, मरकरी रोटेट करती है, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, ये सब जो है मंगल ग्रह, पृथ्वी ग्रह, चंद्रग्रहणी, चंद्रमा जो है वह सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो ग्रह हैं जैसे जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, वीनस हो गया, अर्थ हो गई, ये सब जो है ग्रह हैं। तो ये जो सूर्य है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो परमाणु होता है उसकी संरचना भी इस सौरमंडल के समान ही होती है। ठीक है, बीच में नाभिक होता है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके आजू बाजू जो है चारों तरफ कक्षाएं होती हैं जिनमें कि ये जो न्यूक्लियस है सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, इसे हम नाभिक भी बोलते हैं, न्यूक्लियस या नाभिक हिंदी में। यह नाभिक होता है और इसके अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या कहें कि जो नाभिक है वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों से मिलकर के यह बना होता है, या कहें कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके बाद ये जो आप बाहर देख रहे हैं गोल सर्कल्स, इन्हें हम कक्षाएं बोलते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह इन कक्षाओं में होते हैं और यह इस नाभिक के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो यह होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये जो न्यूट्रॉन है यह इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसे हम जीरो लिख सकते हैं और इसे हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल रहता है यह, इसमें कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन इसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। प्रोटॉन को हम पी से दर्शाते हैं और इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, यानी कि इसके ऊपर प्लस आवेश होता है, जो विद्युत आवेश होता है वह प्लस का होता है। और इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से दर्शाते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव आवेश होता है ना, इसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो यह आप समझ गए। यह परमाणु संरचना होती है इस प्रकार की। अब हम इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उसको समझने के लिए जो जो चीजें हैं वह हम समझ लेते हैं। ठीक है, केवल उतना ही पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। वेल्डर ट्रेड से आपका इसका कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि विद्युत कैसे कार्य करती है, तो उसके लिए हम यह परमाणु संरचना समझ रहे हैं। लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उसके लिए आपको इनमें से जो जो क्वेश्चन आते हैं वह मैं आपको बताता हूं कि वह क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं, तो उनके लिए हमें जो जो जरूरी है वह चीज हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर से, इसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में। ठीक है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक,
परमाणु भार को हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक मास, और परमाणु क्रमांक को हम बोलते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर। ठीक है, किसी भी अणु, जैसे किसी भी तत्व, किसी भी अणु परमाणु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, किसी के भी परमाणु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें लिखने का तरीका क्या होता है? ठीक है, उन्हें हम लिखते किस प्रकार से हैं? तो मान लीजिए कोई भी एक तत्व ले लेते हैं, जैसे हम कार्बन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने कार्बन ले लिया, तो कार्बन के अंदर ये हमने कार्बन ले लिया, जो कार्बन का साइन होता है वह सी होता है, तो यह सी हमने लिख दिया। अब हमें बताना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? जो प्रोटॉन की संख्या होती है नाभिक के अंदर, जो प्रोटॉन की संख्या होती है उसके बराबर होता है परमाणु क्रमांक। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, परमाणु और इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो प्रोटॉन होते हैं उनकी और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन हम प्रोटॉन की संख्या जो है वह लिख देते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो यह कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया 6, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और 6 प्रोटॉन भी होते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसका परमाणु भार क्या है। तो इसमें न्यूट्रॉन नाभिक जो है, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं और प्रोटॉन कितने हैं, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका परमाणु भार। तो यहाँ ऊपर हमने लिख दिया है परमाणु भार। तो किसी भी परमाणु या किसी भी जो तत्व होता है उसको, उसका जो सिंबल होता है उसको लिखने के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, परमाणु क्रमांक, फिर उसका सिंबल, और यहाँ पर उसका परमाणु भार। ठीक है, इसका जो सूत्र है वह इस प्रकार से, जेड एक्स कोई भी तत्व है और ये एटॉमिक नंबर, ये जेड है, जेड एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है, कोई यह एटॉमिक मास है। ठीक है, यह होता है किसी भी तत्व का नंबर, वो सिंबल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब आपसे एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, या तो साइन देकर के पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पर ये साइन दे दिया 6C12, तो आपसे पूछेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो आप बता देंगे यहाँ पर 6 इसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या है। या ऐसा दे देंगे आपको कि किसी किसी तत्व में, किसी तत्व का परमाणु भार 1 है। ठीक है, और उसके अंदर न्यूट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या वाई है, तो आपको बताना है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है उसके अंदर। तो आप क्या करेंगे, प्रोटॉन में से जैसे ये जो एटॉमिक भार होता है, ये एटॉमिक भार होता है, इसमें से आप ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी होगी। ठीक है, तो इसकी संख्या घटा देंगे आप, तो यह प्रोटॉन की संख्या में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, प्रोटॉन की संख्या दी है, और या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से किसी एक की संख्या दी है और आपको भार दिया हुआ है एटॉमिक भार, और न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, तो आप निकाल सकते हैं किस प्रकार से, भार भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका आता है जिसे कि आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एक सिंबल जो हैं आप याद रख लें जो एग्जाम में आते हैं। पीरियोडिक टेबल जो होता है उसमें कई सारे तत्व हैं, उनमें सारे हमें याद नहीं करना होता है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होते हैं उनके कुछ सूत्र याद करने होते हैं, सूत्र नहीं उनका परमाणु नंबर वगैरह, परमाणु भार वगैरह याद करना होता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। आपको परमाणु भार दिया होगा, परमाणु क्रमांक दिया होगा, इस प्रकार से प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इनके नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो यह एक हो गया। इसके अलावा एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो कक्षाएं हैं इनके अंदर कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो कक्षाएं हैं इनमें हम चार कक्षाएं देखते हैं, पहली,
दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है इसके सबसे पास जो है वह पहली कक्षा है, उसके बाद दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा, इस प्रकार से होती है। तो जो न्यूट्रॉन के सबसे नज़दीक है इसे, यह पहली कक्षा है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, उसके बाद आएगी चौथी और पांचवी, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है आपको कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूँ, उसका निकालने का तरीका होता है वह कुछ भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, यह डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। पहली कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। यह आपको याद रखना है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 18, तीसरी में सॉरी दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, ठीक है। चलो ठीक है, मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है 2n², ठीक है। किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसका सूत्र है 2n², जिसमें कि n होता है या जो कक्षा का नंबर है वहाँ, जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, है ना। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे, जैसे मान लो दूसरी कक्षा के बारे में आपने को देखना है कि दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 यहाँ पर n की जगह पर आप 2 रख दीजिए। तो जब आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, और 4 दुनिया होता है 8, 4 दुनिया होता है 8। तो यहाँ पर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसी प्रकार आप तीसरे का निकाल के देख लें, ठीक है। 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 9 और ये 2, तो ये हो जाएगा 18। चौथे का निकाल लो आप, 4 चौक 16 होते हैं और 16 दुनिया होता है 32, तो ये हो गया आपके 32। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार का आता है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संख्या बताइए। तो यह एक और आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनके इन्वेंटर जो होते हैं, जिन्होंने इनकी खोज करी है, उनके नाम पर आ जाता है, तो वह देख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, इलेक्ट्रॉन की खोज करी है जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी है, प्रोटॉन की खोज सबसे पहले जो है गोल्डस्टीन ने प्रयास किया था, उसमें उन्हें पूरी तरह से वह इसको डिफाइन नहीं कर पाए थे, इसीलिए इसकी खोज जो है वह रदरफोर्ड का नाम आता है, तो रदरफोर्ड ने करी है, लिख देते हैं। इसकी खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा मानी जाती है, लेकिन अगर कभी आपको रदरफोर्ड नहीं दिखे और उसकी जगह पर गोल्डस्टाइन दिखे तो आप वहां पर गोल्डस्टाइन को टिक कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करी है सर चैडविक ने, ठीक है, चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। यह हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वह इस प्रकार से सोल्व होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम विद्युत के बारे में समझेंगे, विद्युत कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम समझेंगे, और भी कई प्रकार की जो डेफिनेशंस होती है, प्रारंभिक परिभाषाएं हैं, वह हम देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो बेल आइकन है सामने, बेल आइकन आएगा उसके बाजू में सब्सक्राइब करने के बाद, उसे आप प्रेस करके और क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर, तो आप हमारे जो भी नए वीडियो बनेंगे उनके मैसेजेस को पा सकते हैं, ठीक है, वह आपको मिल जाएंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल।